दर्श परस मुख मंजन पाना, मिटत कलेश कहे वेद पुराना। दर्शन की अद्भुत महिमा है। जीवन में देखो, हम हर समय टेंशन का दर्शन करते हैं, आंख बंद करके भी हमें अंदर से हमेशा टेंशन रहता है। एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है सृष्टि पर जो टेंशन मुक्त हो। साधु सन्यासी कथाकार श्रोता भगत यजमान आयोजक सब में अंकुर है टेंशन का, अशांति किसी न किसी तरीके का अलग अलग है। जिनके पास में वैभव है, धन है, संपत्ति है, उनको उसका भी टेंशन है, धन की सुरक्षा का, कुछ गलत ना हो जाए सरकार की तरफ से, इसको कहां धन को खर्च करें। जिनके पास नहीं है उनको तो है ही, हमारे पास होता तो हम भी कथा करते, हम भी ये करते, हम भी वो करते। बहुत सारे लोग रोते हैं मेरे पास, आप इतना दे दो महात्मा जी गुरु जी कि हम कमरा बनवा सकें, गौशाला की सेवा कर सकें, आपकी सेवा कर सकें। तो मैंने कहा मैं दे दूं तो फिर मैं काहे को तुमसे लूंगा, मैं तो खुद ही अपने आप की फैक्ट्री को चलाऊंगा। भगवान से कहो उनके पास में धन है, हम तो निर्धन। ये जो पैसा रुपया की बात है इसके लिए मैं कह रहा हूं। वैसे महात्मा संत ज्ञानी लोग कहते हैं, धनवंता ताही जानिए जापे राम रतन धन हो, क्योंकि धन का सौभाग्य भी भगवान की कृपा से मिलता है। लक्ष्मीपति होना, धनपति होना, ये कोई आदमी मेहनत करके कंपनी खोलकर ऐसे धनपति नहीं बन सकता। बहुत लोगों ने खोली कंपनियां, लॉस में चले गए। परमात्मा की कृपा से धन वैभव और उत्सव प्राप्त होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम उत्सव करें, पर नहीं होगा, नहीं मिल रहा। ईश्वर कृपा कर देंगे, आपके जीवन में उत्सव आ जाएगा, चाहे वो भागवत का हो, चाहे वो चुनरी का हो, चाहे वो भंडारे का हो, चाहे विवाह का हो। कई उत्सव है, विवाह उत्सव, जन्म उत्सव, कुछ भी अच्छा जिससे आनंद आपको प्राप्त हो, वो सब तुम्हें तभी मिलेगा जब भगवत कृपा हो, ईश्वरी कृपा हो, तुम्हारा पुण्य इकट्ठा हो गया हो, उदय हो गया हो, प्रकट हो गया हो।